Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 6.2 तक बताया था. आज हम चलते हैं exercise 6.3 की ओर. इसका पहला क्वेश्चन है, What would be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? पहला नंबर है आप 9801. यानी हमें ये बताना है इसके स्क्वायर रूट का क्या पॉसिबल डिजिट हो सकता है. आपको नंबर दिया हुआ है 9801 और हमें बताना है कि इसके स्क्वायर रूट अगर हम लें तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकते हैं विदाउट टेकिंग स्क्वायर रूट. तो देखिए पहले आप देखते हैं जो नंबर दिया हुआ है उसका वंस डिजिट क्या है. तो वंस डिजिट ऑफ द नंबर 9801 का जो वंस डिजिट है वो 1 है. अब हम ये पता करते हैं किस नंबर का स्क्वायर करने पर, बिकॉज ये किसी का स्क्वायर होगा तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा. अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है. इस तरह से हमें ये पता करना है कि किसका जो स्क्वायर रूट का वंस डिजिट होगा वो क्या होगा. जैसे हम इसका जो स्क्वायर वंस डिजिट है वो 1 है, तो हम वो नंबर पता करें किसका स्क्वायर करने पर उसके वंस डिजिट पर 1 आता है. तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है. आप देख रहे हैं यहाँ तो 1 ही डिजिट है, ये वंस डिजिट 1 ही है, इसमें इसका वंस डिजिट 1 है. इसका मतलब क्या है, अगर आप 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा. तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि इसके पॉसिबल इसके स्क्वायर रूट के पॉसिबल डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 1 और 9 होंगे. सो देयरफॉर पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 9801 इज 1 और 9 इसके स्क्वायर रूट के पॉसिबल डिजिट होंगे. सिमिलरली आपका अगला सेकंड क्वेश्चन है 99856. इसका जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट ऑफ द नंबर 99856, इसका जो वंस डिजिट है वो कितना है, 6 है. तो अब हम ये देखते हैं किस नंबर का स्क्वायर करने पर 6 आता है. तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है और 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है. और कोई डिजिट जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 नहीं आता है. तो इसका मतलब हमारे पॉसिबल डिजिट होंगे उसके स्क्वायर रूट में वो क्या होंगे, 4 और 6 होंगे. इसके अलावा और भी कोई नंबर अगर आप स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 6 आता है. तो वो 2 ही नंबर है आपके, टू डिजिट है वो है 4 और 6. इसलिए 4 का स्क्वायर ये और इस तरह वंस डिजिट हमारा 6 आ रहा है. तो पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 4.6. ऐसे इसके सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी आप अपने आप कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं किस तरीके से इसका वंस डिजिट क्या होगा. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर, व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये नंबर पता करना है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं बिना किसी कैलकुलेशन के किए हुए. जैसे आपको दिया हुआ पहला नंबर 1133. अब आपको बताना है कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो हमने बताया था कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है दे नेवर एंड विद द डिजिट 2, 3, 7 और 8. यानी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी भी 2, 3, 7, 8 के साथ एंड नहीं होते. तो डेफिनेटली इसका वंस डिजिट क्या है, 3 है. सो इट्स वंस डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वंस डिजिट 3 है और जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सेकंड क्वेश्चन इसका दिया 257, तो इसका भी वंस डिजिट क्या है, 7 है. तो 2, 3, 7, 8 जो नंबर होते हैं 7 वाला तो होगा नहीं. सो हमने लिखा है इट्स वंस डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरीके से इसके अदर टू पार्ट भी आप कर सकते हैं. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आपको बताया सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर होता है. यानी अगर फर्स्ट एन ऑड नंबर अगर आप ऐड कर लें तो उनका जो सम होगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा. अगर आप 3 ऑड नंबर ऐड करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 ऑड नंबर प्लस ऐड करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 5 ऑड नंबर प्लस करते हैं तो उनका 5 स्क्वायर हो जाएगा. तो अब ये रिपीटेड जो सब्ट्रैक्शन है वही प्रोसेस है जस्ट उसका. अब इसमें से हम बारी बारी से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे हमारा 100 नंबर दिया हुआ है, 100 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा, फिर 99 में से अगला ऑड नंबर हमारा 3 है, 3 माइनस करेंगे 96 आया, 96 में अगला नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, 96 माइनस 5 थी 91 हो गया, फिर 91 माइनस 7 तो फिर हमारा 84 हो गया. अब 84 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस करेंगे तो हमारा 75 हो गया, 75 में अगला ऑड नंबर 9 के बाद 11 आता है, 11 माइनस करेंगे 64 हो गया, 64 में 13 माइनस करेंगे 30 तो हमारा 51 हो गया, और 51 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा
36 हो गया, और 36 में से फिर अगला हमारा ऑड नंबर है 17, 17 माइनस करें 19 आया, और 19 में से अगला ऑड नंबर हमारा क्या है 19, 17 के बाद 19 आ रहा, तो 19 में से 19 का क्या बचा 0। ये प्रोसेस तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ पर जो है 0 नहीं आ जाता। 0 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है इस तरह से, अब हमारा यहाँ पर इसका रूट फिनिश हो जाता है। अब इसमें काउंट कर लेते हैं कितने स्टेप बने आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप देख रहे हैं 10 इसके स्टेप बने, सो देयरफॉर अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। इस तरीके से हमें किसी भी नंबर का इस रिपीटेड सबट्रैक्शन वाले मेथड से इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो 169 है ना, उसको भी हम बारी बारी से पहले 1, 3, 5, 7 बारी से इसी माइनस करते जाएंगे, और इसमें अब 13 स्टेप आएंगे, तो ये क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537. After that, your next question number 4, in which saying that find the square root of the following number by prime factorization method. यानी इसमें जो नंबर दिए हुए हैं उनका हमें square root find करना है prime factorization method से। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका 729 का हम पहले prime factor करते हैं। देखते हैं आपको पहले प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग को सम करके देख लेते हैं। पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो इसमें हमारा कोई भी इवन नंबर नहीं है तो टू से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद ये सबका सम करते हैं, 7 + 2 9, 9 9 18, 18 3 से डिवीजन होता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 12, 3 3 9। आगे फिर इसी तरह से 3 से कट करते हैं, 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। इस तरीके से हमारे 729 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 3 6 times 3 दिए आते हैं। इसके बाद हम उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका हम पेयर बनाते हैं दो दो का, तो 3 का भी पेयर बनेगा दूसरे 3 का, फिर अगले 3 का, इस तरह 3 पेयर बनते हैं। तो स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट 729 जो है, 729 का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पेयर के बदले एक और डिजिट लिखा जाता है। 3 3 का एक पेयर है तो एक ये लिख दिया, दूसरे पेयर का ये, दूसरे पेयर का ये, इस तरह इसका मल्टीपल करते हैं तो 27 आता है। 3 3 9, 9 3 27। अब 27 इसका मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अवेलेबल आपका सेकंड पार्ट, इसी तरह से 400 है, सिंपल आपका आसानी से उसे कर सकते हैं 400 के फैक्टर। आगे सेम 1 764 है, इसके फैक्टर करते हैं 2, क्योंकि इवन नंबर लास्ट में है तो 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 2 8 16, 1 2 8 16, फिर आपका 2 4 2 2 4, फिर लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 4 2 2 2। अब ये रेट में सम करते हैं, 4 4 8 और 1 9 हो गया, 9 3 से कट जाता है तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 3 1 3, 1 14 हो गया, 3 4 12, 2 4 21 हो जाएगा, और 3 7 21। आगे 3 से फिर कट करते हैं, 3 4 12, 2 27, 3 9 27। अब 49 हो गया, 49 7 से कट जाएगा, 7 7 41, 9 और 7 बन गया 7। इसके बाद अब इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 2 × 2 2 बार 2 बार 3 और 2 बार 7 आया है, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 का 2 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, 7 का एक पेयर हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू, एक पेयर के बदले एक लिखते हैं तो 2 3 × 7 42 से कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 2 4 0 2 4 8 1 2 2 16, फिर इवन है तो 2 1 2 0 2 2 4 2 4 8, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 1 10 11 हो गया, 2 5 10 और 2 6 12, फिर आप 2 से कट करते हैं इसको, 2 1 2 और 5 4 2 2 4, 1 10 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12 16 हो गया, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इस तरह ये सभी हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इस तरह से 4096 के जो प्राइम फैक्टर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 11
टू जो है 12 टाइम आपका आएगा, तो 12 टाइम हमने 2 लिख दिया मल्टीपल करके। अब उनके पेयर बनाते हैं, दो दो के पेयर बना दिए गए। इसके बाद 4096 का स्क्वायर रूट लिखने के लिए एक पेयर के बदले एक डिजिट लिखा जाएगा, तो 2 को आप एक का इस तरह 6 पेयर बन जाए तो 6 टाइम 2 लिख दिया गया, और उसका मल्टीपल कर देते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 64, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। आफ्टर दैट योर फिफ्थ वर्ड क्वेश्चन 7744, इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से कट जाएगा 2 3 या 6 1 बचा 17, तो 2 8 या 16 1 बचा 14 हो गया, 2 7 या 14 2 2 या 4, इसका फिर 2 से कट करते हैं 2 1 या 2 1 बचा 18 हो गया, 2 9 या 18 फिर हमारा 2 3 या 6 और 2 6 या 12, इसके बाद 2 से 19 कट करेंगे 2 9 या 18 1 बचेगा 13 हो गया, तो 2 6 या 12 1 बचेगा 2 8 या 16, फिर 2 से कट करते हैं 2 2 या 2 4 या 8 1 बचा 2 8 या 16 2 4 या 8, फिर 2 से कट 2 2 या 4 2 4 या 8 2 2 या 4, फिर 2 से कट करते हैं 2 1 या 2 2 2 या 4 2 1 या 2। अब ये 1 2 पर 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से कट करेंगे 11 बन जाए 11 1 बचा 11 बन जाए 11, तो 11 से फिर इसको कट देंगे तो 11 बन जाए 11। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं, कितने बार आया 2 आपका 6 टाइम आया, 2 टाइम 11 आया, तो लिख दिया 2 हमने 6 टाइम लिखा है और मल्टीप्लाई 2 टाइम 11 लिखा है। अब उसके पेयर बना देते हैं, 2 2 के 3 पेयर बन जाएंगे और 11 का एक पेयर बनेगा, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हुआ 7744 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, दैट इज 2 2 या 4 4 2 या 8 और 11 8 का 88। तो बाकी अदर पार्ट इसके जो है वो ऐसे ही करने हैं, उम्मीद है आपको वो सभी अपने आप कर लेंगे, और उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट, हैव अ गुड डे।